हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रीन टेक यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपके बीच लेके आया हूँ बहुत ही अच्छा पार्ट्स जो एसेसरीज है जो मैं यहाँ पे खरीद के लेके आया हूँ, अमेजन की तरफ से मंगवाया हूँ। मैंने पहले रखा था कि मतलब ये कैसा है नहीं है, ठीक है, चेक करने के लिए मैंने चेक कर लिया है कि बहुत ही अच्छा है। ये GoPro एंड मोबाइल दोनों के लिए यहाँ पे अनमाउंटिंग आप कर सकते हैं, चीन माउंट कर सकते हैं, मतलब इसको अनबॉक्स करके हमने जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि देखिए हेलमेट, यह दोस्तों मैंने ये जो मंगाया है हेलमेट के पर्पज़ से मंगाया है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मेरा कि ये हेलमेट है, तो इस हेलमेट पे आप सामने में यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे इसमें लगा हुआ है, ऐसे आपको लगा के आप ब्लॉगिंग या कहीं पे आप जैसे कि बैग चला रहे हैं या फिर कहीं पे जा रहे हैं, आप कैमरा पकड़ने में अनकम्फर्टेबल है, तो जैसे GoPro कैमरा आप यहाँ पे यूज करते हैं वो करके, मतलब इसमें हेलमेट के आगे में लगा के। तो हमारे पास GoPro तो नहीं है, मोबाइल है, तो इसीलिए मैं मोबाइल में यहाँ पे सेट करके दिखाऊंगा ऐसे, और उसके बाद में जो है हम आपको राइड करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले इस बक्से में जो है, इस बॉक्स के अंदर जो मिला है, देखिए मैं आपको बता दूँ, ये है एक पार्ट्स ये है, जो मेन चीज़ यही है। अगर इसको सेट करने के बाद ही, ठीक से बांधने के बाद ही जो है आपको यहाँ पे अच्छा लगा। और उसके बाद एक ये पार्ट्स है, ठीक है, उसके बाद एक है मोबाइल को होल्ड करने वाला, हो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके साथ एक स्क्रू व्हील मिला है जो इसमें अटैच है। जैसे देखिए मैं अब बारी बारी से आपको दिखाता हूँ। देखिए ये हो गया आपका हेलमेट। हेलमेट कोई सा भी है, जो आप स्टैंडर्ड हेलमेट वगैरह कुछ भी आप ले सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी के, ठीक है, मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल। जैसे मेरे पास स्टेटस का ये हेलमेट है, तो हम यहाँ पे इसको यहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मैं ऐसे रखूँगा, देखिए ये है ये वाला पार्ट्स, देखिए ये वाला पार्ट्स है ना, इस पार्ट्स को नीचे रखेंगे और इस वाले पार्ट्स को आगे रखेंगे। तो देखिए ये पार्ट्स इसमें यहाँ पे सेट करेंगे, हम आपको दिखाते हैं। ये इसको ये दो यहाँ पे, दो यहाँ पे निकला हुआ है, एक तरह से स्कूल, जैसे आप बचपन में आप स्कूल जाते थे तो बैग जो है होता था ऐसे बेल्ट बांधने वाला, सेम उसी तरह से आप इसको यहाँ पे बांध भी सकते हैं और अटैच भी कर सकते हैं। जैसे कि ये क्लिप दिया हुआ है, देखिए ये खोलने वाला, तो सिंपली इसमें से घुसाएँगे ऐसे करके, एक ये निकाल के इसमें घुसाएंगे और एक ये निकाल के इसमें घुसाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं, ये आएगा नीचे की तरफ। ध्यान रखिएगा ये वाला पार्ट्स जो है, ये वाला पार्ट्स जो दो ये है, ये नीचे की तरफ आएगा और ये ऊपर की तरफ। देखिए तो ये ऐसे हम सेट कर दिए यहाँ पे, ऐसे करके ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, ऐसे रहेगा बिल्कुल, देख सकते हैं। अब यहाँ पर सेट करने के बाद एक ये पार्ट्स जो है, ये दो आपको दिख रहा है ना, ये पार्ट्स एक ऐसे ले जाएंगे और इसको इसमें फंसाएंगे, जैसे कि ये है देखिए, ठीक है। तो हम इसको पहले खोल देंगे क्लिप को, इसमें सिंपली जो है यहाँ पे, इसमें यहाँ पे देखिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम, यहाँ पे इसको ऐसे घुसा देंगे, ठीक है, और प्लस एक ऐसे सेम तरह से स्कूल के बैग की तरह, जैसे आप स्कूल के बैग को आप फोल्ड करते थे, बांधते थे, सेम टू सेम ऐसे ही बांधना है। देखिए ये आ गया। हेलमेट का साइज छोटा बड़ा हो सकता है, अगर आपके पास बड़ा हेलमेट है तो उसमें आसानी से फिट हो जाएगा। ये थोड़ा स्टेटस कंपनी का हेलमेट है, ब्लॉगिंग के लिए वो थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है अगर मैं बात करूँ तो, लेकिन आप इसमें ऐसे करके सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद ये सिंपली ऐसे हो जाएगा, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बांध के दिखाते हैं, सिंपली बारी बारी से मैं यहाँ पे बांध लेता हूँ, ठीक है। आप समझ गए ना कैसे सेट करना है, ऐसे सेट करना है इस वायर को और आपको इसमें बांधना है। साथ ही साथ ये क्लिप जो है ना, जैसे ये क्लिप है, देखिए ये घुसाने के बाद ये क्लिप है ना, ये क्लिप इसको सिंपली ऐसे लगा देना है, तो ये अपने आप होल्ड हो जाएगा। बाकी अपने हिसाब से जो है आप इसको टाइट कर सकते हैं, कितने पे रखना है नहीं रखना है वो आपको पता होगा, ऐसे करके सिंपली ऐसे
बांध देना है, ठीक है। तो ये हो गया ऐसे, ठीक है। ये आपको यहाँ इसे बांध देना है, मैं आपको बांध के फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बराबर जो है यहाँ पे इसमें कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे फिट हो गया है। आप अब ऐसे जो है आप वीडियो आप बना सकते हैं, ठीक है। आप बैक पे हो या कहीं पे भी, आप जैसे आप एक्चुअली हेलमेट जो है हेलमेट लगाने का मकसद यह है कि बैक राइडिंग आप कर सकते हैं, उसके बाद जो है आप ऐसे करके वीडियो बना सकते हैं। देखिए अब और प्रॉपर तरीके से ये जो है ना वाइपर ये बंद भी हो रहा है, क्योंकि ये मेन चीज़ ये है कि अगर आप इसको बंद करके चलाते हैं तो उसके बाद आप ब्लॉगिंग वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आप एयरफोन लगा के मतलब लीड लगा के और माइक या लीड जो भी हो लगा के आप आराम से ऐसे ब्लॉगिंग कर सकते हैं। देखिए तो दोस्तों हम अब रेडी हो चुके हैं और चलते हैं, आपको दिखाते हैं बाइक राइडिंग। ओके तो दोस्तों देखिए अब मैं बाइक स्टार्ट कर चुका हूं और अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जो मैं शिवाजी इनक्लेव रजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन के साइड में है जो कॉलोनी है शिवाजी इनक्लेव, वहां पे मैं रहता हूं और वहां से मैं अब यात्रा को शुरू कर चुका हूं। और यात्रा करते करते हम आपको राजेंद्र नगर शंकर रोड जो नियरेस्ट राजेंद्र पैलेस मेट्रो स्टेशन है वहाँ तक का सफ़र हम आपको बहुत ही सुहाना सफ़र देखने को मिलेगा। तुम बने रहिए मेरे साथ और उसके बाद राइड का मज़ा लीजिए। और देखिए जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊँगा वैसे वैसे आपको हेलमेट में जो है मोबाइल लगी हुई है आगे में जो मैंने दिखाया है आपको, कितनी ज़बरदस्त व्यू आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। और गर्दन जो है इधर उधर भी आप अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं, उस हिसाब से आपका व्यू आएगा, ऊपर नीचे जैसे भी आप करेंगे उस हिसाब से व्यू होगा आएगा। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे अब धीरे धीरे मेन रोड की तरफ बढ़ते जा रहा हूँ ये कॉलोनी के अंदर से मैं निकलते हुए, ठीक है। तो कितनी ज़बरदस्त व्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जैसे मैं मुंडी थोड़ा ऊपर किया तो ऊपर का दृश्य आपको देखने को मिला, ठीक है। तो इसी तरह से जो है आप भी अगर आप हेलमेट के थ्रू या फिर क्या बोलते हैं अगर बाइक चला रहे हैं और आपके पास कैमरा नहीं है तो आप लोग भी हेलमेट में लगा के और ब्लॉगिंग या फिर कहीं का दृश्य आप ले सकते हैं रोड का, अगर आप इच्छुक है रोड पे बाइक वगैरह चलाने के लिए जैसे भी। लेकिन हाँ दोस्तों एक चीज़ माइनस पॉइंट यह है दिल्ली के अंदर जो ये अगर हेलमेट में जो लगा है जो मैंने लगाया है दिखाया है आपको ये अलाउड नहीं है दिल्ली के अंदर, यही मेन माइनस पॉइंट ये है कि अलाउड नहीं है, क्योंकि एक्सीडेंट वगैरह की वजह से जो है पुलिस वाले अलाउड नहीं कर रखा है, क्योंकि ब्लॉगिंग में ध्यान रखते रखते लोग जो है थोड़ा सा दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो इसके वजह से जो है अलाउड नहीं है। तो इसीलिए आपका चलान कट सकता है और क्योंकि इस पर चलान है, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर जिस सिटी में आप आए तो वहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर जो है आप इस चीज़ का इस्तेमाल करिए, ठीक है। तो देखिए कितने ज़बरदस्त व्यू, अब हम यहाँ पे मेन रोड पे आ चुके हैं शिवाजी इनक्लेव का मेन रोड पे और उसके बाद अब हम आगे बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं राजेंद्र नगर राजेंद्र पैलेस मेट्रो स्टेशन की तरफ, ठीक है। तो दोस्तों देखिए अब हम बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आ चुके हैं अब राजा गार्डन मेट्रो स्टेशन के आसपास, ये मेट्रो ऊपर से जा रही है और नीचे यहाँ पर फ्लाईओवर है, यहाँ पर राजा गार्डन मेट्रो स्टेशन के आसपास हम यहाँ पर आ चुके हैं और धीरे धीरे बढ़ते हुए हम आपको दोस्तों यहाँ पर फिर देखिए हम फ्लाईओवर यहाँ पे क्रॉस नीचे में जो है कर चुके हैं और उसके बाद ऊपर ये सीधे रास्ता जो है एम सी तरफ चली जाएगी। अगर सीधे आप जाते हैं तो ये लेफ्ट साइड से होते हुए हम राजेंद्र नगर राजेंद्र पैलेस की तरफ हम जा रहे हैं। देखिए ऊपर में मेट्रो है, नीचे में मैं यहाँ पर जा रहा हूँ मेट्रो लाइन पर, मैं मेट्रो लाइन के धीरे धीरे मतलब सारे करते करते नीचे नीचे मेट्रो सीधे वहाँ तक जाके रहेंगे। आगे बढ़ते बढ़ते हम आ चुके हैं शादीपुर कीर्ति नगर जो फ्लाईओवर है वहाँ पे हम यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। देखिए हम यहाँ पे क्रॉस यहाँ पे कर चुके हैं, अब हम धीरे धीरे फ्लाईओवर क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पर आपको ट्रैफिक ज़्यादा है तो ट्रैफिक यहाँ पर देखने को मिलेगा, खासकर दिल्ली में मॉर्निंग टाइम में कुछ ट्रैफिक होता ही होता है और इवनिंग टाइम में ऑफिस आवर रहता है, ट्रैफिक आई थोड़ा फ्लाईओवर पर
हम देखिए बिल्कुल रोड पूरा खाली मिल गया, देख सकते हैं दोस्तों। ये ब्लॉग आपको और ये राइड आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ अच्छा लगा तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप नए आए हैं तो। और हम फिर इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं इस राइड को। तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय वंदे मातरम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा हो। ठीक है, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और आराम से प्लीज़ केयर करके ध्यान से बाइक चलाइए अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं बाइक पे तो। ठीक है, ओके टेक केयर, बाय बाय।